गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रभा और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। जो लोग देख रहे हैं एंड प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको कुछ भी मिस ना हो, क्योंकि मैं हैक्स भी बताती हूँ कि आप क्या कैरी कर सकते हैं, टिप्स भी देती हूँ, तो वो भी आपको मिस ना हो। मैं टिप्स भी बताती रहती हूँ कि आप इसका क्या कैरी कर सकते हैं, कैसे कैरी कर सकते हैं, वो हेल्पफुल होता है आपको कैरी करने में। तो यस, मैं अब स्टार्ट करती हूँ वीडियो, लेट्स गेट। तो जो मैं फर्स्ट दिखाने वाली हूँ, ये मैंने ट्यूब सेट मंगाए थे दो, जो कि मुझे काफी सस्ते पड़े थे, 175 के। तो मैंने ट्यूब मंगाए थे, तो ये मैंने मंगाया था फ्री साइज, क्योंकि मेरा बस्ट एरिया थोड़ा सा हैवी है, इसी वजह से मैंने थोड़ा बड़ा साइज मंगाया, पर मेरे लिए बड़ा साइज नहीं आया। उसके अलावा फैब्रिक बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लाइक इसमें कप दिए गए हैं, आपको इस तरीके से कप भी मिल रहे हैं। क्या है, इसमें ब्रा की तरह इसमें हुक्स दिए गए हैं, जो कि बहुत कंफर्टेबल रहता है इसे पहनने में, आपको ऊपर चढ़ा के नहीं पहनना है। तो ये ट्यूब है इस तरीके से, बट फैब्रिक बहुत अच्छा है। मेरे लिए तो ये यूजलेस है, क्योंकि मुझे ये नहीं आया सब। उसके अलावा इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, और आप इसे डेफिनेटली ले सकते हैं, क्योंकि बहुत चीप प्राइस में मिल रहा है आपको। नॉर्मली भी अगर आप लेंगे तो सिंगल पीस आपको 100 रुपीज से कम नहीं मिलने वाला, बट ये मीशो पर मिल रहा है 175 का। मैंने परचेज किया है सेट पूरा, दोनों सेट इनफैक्ट। इसके साथ आपको मिल रही है दिस ट्रांसपेरेंट वाली स्ट्राइप्स, आप ये भी लगा सकते हैं, आप ये भी इसके साथ कैरी कर सकते हैं। इसमें ना आपको स्पेस भी दिया गया है स्ट्राइप लगाने के लिए, ये रहा। आप ट्यूब की तरह भी पहन सकते हैं, वैसे भी पहन सकते हैं। तो ये था फर्स्ट, बहुत अच्छा था, तो मैं इसको ट्राई ऑन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं आया है बिल्कुल भी साइज में, ये बहुत छोटा है। मैंने फ्री साइज मंगाया था उसके बाद भी, तो प्लीज अपना साइज उस तरीके से चूज कीजिएगा। तो जिसके बहुत ज्यादा स्मॉल साइज होते हैं वही उनको मंगाइए, जिसके थोड़े से हैवी है तो वो उनको नहीं ट्राई कीजिए। तो ये था फर्स्ट, जो कि नाउ मैं सेकंड आपको दिखाने वाली हूँ। ये एक स्वेट शर्ट है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट इस कलर में। ये देखिए कलर इसका कितना प्यारा है, एंड इसमें बहुत क्यूट सा ये बना हुआ है। ये मैंने एक दो बार पहन लिया, वॉश भी कर दिया है, वॉश करने के बाद भी जैसी थी वैसी ही है एग्जैक्टली। साइज में मैंने एल मंगाया है, एक्चुअली ना इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जिससे मैंने साइज मंगाया एल, पर ये ना छोटा लग रहा है थोड़ा सा देखने में, तो उस अकॉर्डिंगली आप देखिए, क्योंकि एल साइज ना थोड़ा बहुत बड़ा होना चाहिए, पर उस अकॉर्डिंगली वो उतना बड़ा नहीं है जितना कि एल साइज होना चाहिए। बट ये थोड़ा सा ये लाइक ये एम साइज, इस अगर कि कोई किसी को एम आता है वो ये एल साइज मंगा सकता है। तो साइज में एक्चुअली ये है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही वार्म रखता है। तो मैंने एक बार पहना है, काफी लुक भी बहुत अच्छा था। आप इसे ब्लैक एंड व्हाइट जींस के साथ कैरी कर सकते हैं, काफी अच्छा लगेगा, अलग डिफरेंट लुक लगेगा इसमें। देखिए बहुत अच्छा फैब्रिक इसमें है, फुल स्लीव्स है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड प्राइस भी काफी सस्ते प्राइस में मुझे मिला था। तो ये आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, विंटर चल रहा है आपको लाइट विंटर में, डेफिनेटली ये लीजिए, काफी अच्छा रहेगा। तो ये सेकंड वाले हूँ आपको, थर्ड जो मैंने मंगाया है वो है ये टॉप। ये टॉप ना मैंने किसी को देखा था, तो मैंने वो देख के मंगाया, क्योंकि वो बहुत अच्छा लग रहा था उस पर, बार बड़ी उतना अच्छा मेरे पे नहीं लग रहा है, बिकॉज ऑफ मैं आपको बता देती हूँ, वही सेम प्रॉब्लम, मेरे बस्ट एरिया जो है वो थोड़ा सा हैवी है, और ये जो है ना इसकी ये बहुत स्मॉल साइज वालों को ही आएगा, मतलब जिसके बहुत छोटे छोटे होंगे, मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाती हूँ, उसको ही आ सकता है जिसके बहुत स्मॉल साइज में होगा। तो आप खुद देखेंगे, तो मैं आपको एक बार फिर भी ना किसी टॉप के ऊपर एक बार ट्राई ऑन करके दिखा दूंगी, जिससे कि आपको ये देखिए बस इसका इतना सा ही एरिया है जो आपको बेस्ट पे कवर करेगा, ऐसा नहीं। बट हाँ, मैं इसके साथ आपको एक हैक जरूर बताने वाली हूँ, आप इसको ना ट्यूब वाइट के साथ कैरी कर सकते हैं। जो मैंने ये नेट वाला मंगाया है वो एक्चुअली इसी के लिए ही मंगाया था, बट ये मुझे नहीं आया, मुझे प्लेन वाला मंगाना पड़ेगा, प्लेन वाला वो हर किसी को आ जाता है, तो मुझे वो व्हाइट वाला, मैं उसके साथ इसे कैरी कर सकती हूँ। तो वो मैं आपको एक बार दिखाऊंगी पहन के डेफिनेटली। तो ये आप इस तरीके से कैरी कर सकते हैं, इसके साथ ना काफी अच्छी लेंथ में वो दी गई है बांधने के लिए, आप इसको पूरा राउंड करके बांध सकते हैं, मतलब दिखने में बहुत प्रिटी लग रहा था ये। मैं इसका पिक्चर दूंगी, आप देख लेंगे, मैं एक बार पहन के भी दिखा दूंगी लाइक किसी भी तरह एडजस्ट करके। इसकी स्लीव्स बलून है, प्रिंट बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड प्राइस बहुत सस्ता मुझे मिला था। एंड ये आप देखिए, टॉप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत छोटा भी है। ये साइज मैंने एक्चुअली एम मंगाया था, मैं एल भी मंगाती तो भी मुझे नहीं आता फ्रंट से, भले बैक से आता बहुत फिर, लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं इसको कुछ ना कुछ जुगाड़ करके पहनूंगी। तो मेरे पास यही एक आइडिया है, मैं इसको एक ट्यूब के साथ ऊपर करके राउंड करके पहन सकती हूँ, जो कि बहुत अच्छा लगेगा। थर्ड वन, सो नाउ जो मैं अब दिखाने वाली हूँ वो है दिस ब्लैक टॉप, जो कि मैंने मंगाया है
प्लेन एकदम। इसके साथ ना ये मैंने एक रीजन से मंगाया है, उसको मैं आने वाले वीडियो में जरूर आपको दिखाऊंगी मैंने किस रीजन से मंगाया है। एंड इसके साथ जो भी मैं करने वाली हूँ वो डेफिनेटली मैं अपलोड करूंगी, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, तो तभी आपको पता चलेगा कि मैं इस टॉप के साथ क्या करने वाली हूँ। ये एक्चुअली क्रॉप टॉप है, मैं इधर दिख जाएगा आपको, ये एक्चुअली क्रॉप टॉप है, काफी फुल लेंथ में मुझे चाहिए था एक ब्लैक क्रॉप टॉप, तो मैं इसके साथ एक DIY करने वाली हूँ, वो आने वाले वीडियो में पता चलेगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे मटेरियल में आया है, कुछ 200 समथिंग का मुझे पड़ा था, बहुत सस्ता, बाहर मार्केट से मुझे महंगे मिले थे, तो मैंने ऑनलाइन मीशो से ही मंगाया। मीशो इज द बेस्ट साइट जिससे आप बहुत सस्ते हाँ ला रही हूँ मैं, हाँ बहुत ही सस्ते एंड चीप प्राइस में प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो यस हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो ये है एक डांगरी, डांगरी मैंने मंगाई थी जीन्स की, जो कि काफी अच्छी है ये। मैं एक्चुअली डांगरी ज्यादा पहनती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया क्योंकि मुझे लुक बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये डांगरी मैंने मंगाई थी, साइज में पहले बताती हूँ, साइज का L मंगाया है मैंने। एंड ये ना लुक में कुछ बहुत ही क्यूट सी लग रही है, मुझे बहुत क्यूट लगी थी जिसमें देखा है। ये देखिए कुछ इस तरीके से है, फ्रंट में इसकी जिप दिया गया है, आपको फ्रंट से ही जिप मिल रही है, आप बहुत इजीली पहन सकते हैं इसको, फ्रंट में जिप मिल रही है। एंड ना बस इसकी मुझे एक चीज क्या खराब लगी, इसकी जो सिलाई क्वालिटी है ना वो मुझे थोड़ी सी चीप लगी, मतलब मुझे चीप लगी, बाकी आप 1 या 2 टाइम इसे पहन सकते हैं, काफी सस्ता मिला। देखिए इसमें सिलाई क्वालिटी मुझे थोड़ी सी ना चीप सी लगी है, डबल डबल सिलाई लाइक इस तरीके से अंदर से भी, बस यही एक प्रॉब्लम है, अदरवाइज फैब्रिक बहुत अच्छा है डेनिम का। एंड ना लुक इसका बहुत अच्छा आता है पहनने के बाद, मैं जब आपको ट्राई ऑन में दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बटन्स क्वालिटी वगैरह अच्छी दी गई है, ऐसे लोकल वाली नहीं दी गई है, काफी प्यारी इसमें क्वालिटी मिल रही है आपको। पीछे से भी ना आपको वेस्ट की तरफ से एक बैंड मिल रहा है, इस तरीके से बैंड मिल रहा है आपको। फ्रंट में 2 पॉकेट मिल रही हैं, बैक में कोई पॉकेट भी नहीं मिल रही है, फुल लेंथ है वो। ट्राई ऑन में आप देखेंगे समझ में आएगा, काफी अच्छा है। मैं आपको एक बार क्लोजअप दिखाती हूँ, क्लोजअप में एक बार आप देख सकते हैं, बस मुझे इसकी सिलाई का प्रॉब्लम लगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी वगैरह सारी अच्छी है। वो सब पे डिपेंड करता है, मुझे लगा सिलाई थोड़ी सी और फाइन और परफेक्ट हो सकती थी। तो यस ये था मेरा लास्ट प्रोडक्ट जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्यूट था। आई होप आपको ये बहुत अच्छे लगे होंगे मेरा हॉल। प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड प्लीज बताइए कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। हम मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, धन्यवाद।